एक तो ये जो ऑकवर्ड पॉज आते हैं ना, वे यू डोंट नो इफ यू लाइव. ओके, आई एम लाइव नाउ. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? एज आई प्रॉमिस दैट आई विल बी लाइव बाय 8:30, हियर आई एम. हम समी हमें ज्वाइन करेगा शॉर्टली इन अबाउट 2 to 3 minutes. रियली एक्साइटेड. जर्नेश 1608, हे ब्यूटिफुल, हेलो यार. अच्छी खासी फ्रेश बैठी हुई थी मैं, और फिर मैंने एक पुराना ड्रामा लगा लिया. आप लोग सब जानते होंगे, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स, एंड आई हैव सीन इट लाइक आई थिंक 50 times, एंड आई एम स्टिल नॉट ओवर इट. एवरी टाइम आई नीड समथिंग टू चेयर मी अप, आई वॉच इट एंड इट डज द वर्क. सो वो सोचते सोचते देखते देखते मुझे थोड़ा सा, मैंने नैप ले लिया. सो आई एम लाइक लिटिल बिट स्लाइटली डिजी राइट नाउ. अच्छा जी, ओके, आई एम जस्ट गोना ट्राई टू कनेक्ट विद समी. आई डोंट थिंक ही इज हियर येट. अलीज़े अंडरस्कोर अशरफ सेज़ ज़र्नेश आई लव यू सो मच, यू माई फेवरेट. थैंक यू, दैट्स रियली स्वीट. थैंक यू अलीज़े. मिस्टर इमाद सेज़ हेलो, हाय. ज़ुल्फ़िकार सेंड्स मी एन इमोटिकन, थैंक यू. प्लीज़ सिंग दे इजाज़त. यार देखते हैं, मे बी लेटर. इकरा सेज हाय, हेलो. अच्छा, हमने देखना है कि समी हमें अभी ज्वाइन कर चुके हैं या करने वाले हैं या क्या सिस्टम है. नो, आई डोंट थिंक सो, ही इज हियर येट. अच्छा तो हाँ, सो हाउ आर यू ऑल टुडे, क्या हो रहा है घर पे, क्या कर. लव यू ज़र्नेश, यूर अमेजिंग सेज दिलोवेज, थैंक यू. हाय ज़र्नेश, याकूब, हारिस, हेलो. हारिस चौधरी सेज हेलो, हाय. सो या, आई केम लाइव आई थिंक डे बिफोर येस्टरडे, एंड एज आई सेड के जितने लोग भी, इफ देर इज एनी क्वेश्चन, एनी थिंग यू वॉन्ट आस्क मी और समी, प्लीज़ बी प्रिपेयर. आप लोग सवाल कर सकते हैं, हम जवाब देंगे. आप प्लीज़ दे इजाज़त का गाना सुना दें. इन अ बिट, इन अ बिट. अभी ना मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होने की खुद भी कोशिश कर रही हूँ. एज आई टोल्ड यू, आई एम लिटिल बिट बिजी राइट नाउ. मैं अपने नैप से एकदम उठी हूँ कि ओ शुड आई हैव टू गो लाइव. सी दिस इज हाउ मच आई लव यू गाइज. इश्द नसीब, योर वर्क वॉज ऑसम सेज अ वेरी डिफिकल्ट नेम, बट थैंक यू. अच्छा जी, मुझे नहीं पता कि समी साहब किधर हैं आप. ओ ओके, आई गेट इट. ओके, ऐसा तो नहीं कि समी अपने अकाउंट से लाइव है और मुझे पता ही नहीं है. वेट अ मिनट. अच्छा जी, कैन यू प्लीज से माई नेम. आहा डॉट सजल डॉट लवर, आई जस्ट डिड. हाई ज़र्नेश, ज़ीशान समथिंग, हेलो. फिनोमिनल एक्ट्रेस सेज शुमाइल डॉट खान, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम सेज जुनेद शक्की वाला, वालेकुम अस्सलाम. आप बहुत प्यारी लगी सुनियारा में, बेस्ट इन कंप्लीट सीरियल. हाँ, अपेरेंटली वी हैव अ लॉट ऑफ सुनियारा फैंस, लाइक अ लॉट ऑफ एम. दैट्स एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग. समी किधर, क्या हो रहा है ये? तो पहली प्लीज टेल मी योर नेम, मीनिंग. मैं काफ़ी दफ़ा तो बता चुकी हूँ, इट मीन्स फ्लावर, फूल. यू आर सो क्यूट माशाल्लाह, थैंक यू. आप बहुत प्यारी हैं फारूक अंडरस्कोर खोखर, थैंक यू. फैजान खान हेलो, हाय. प्लीज़ से माई नेम इरसा, हेलो इरसा, हाउ आर यू. अच्छा जी, अब हम एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं.
I'm just trying to add Sami. He's here. He will be joining us shortly. If not, then he's gonna get himself killed. Oh, here he is. Hello. हेलो। What's up? क्या हाल है? पर आवाज बहुत ऐसा आ रही है। मेरी? क्यों? अब सही है? हेलो? अब सही है? सभी? एक सेकंड में हैंड फ्री लेके आता हूँ। तभी तुम्हारा फोन खराब है। अच्छा, सो या एज वी प्रॉमिस वी आर हियर। और क्या नाम है, बड़े सारे लोगों को वैसे तो पता ही होगा, व्हेन वी वर शूटिंग टुगेदर हम लोग बड़ी सारी वीडियोस चढ़ा रहे थे एक दूसरे का दिमाग खाते हुए। तो ये कांस्टेंट है, दिस दिस डजंट चेंज बिटवीन अस। हमारी 2 मिनट पे फोन पे बात हो या हमारे 10 घंटे का दिन में काम हो, इट्स ऑलवेज लाइक दिस, इट्स कॉन्स्टेंट नैगिंग। अच्छा जर्निश, अब पहले कैमरा से ही कर लो। सर कट रहा था, यार थोड़ा सर कैमरा क्यों से ही कट कर रहा है मेरा? लो। सर नहीं, अभी देखो सेट है, एक्चुअली स्क्रीन पे मैं भी आ गया हूं ना। आप सही है? हाँ अब बेहतर है, अब बेहतर है। अच्छा थोड़ी कट ही रहो। खैर इट्स ओके, मैं हूं ना। आ गए तुम, हो गया थोड़ा दिन। क्या हाल है जनाब, कैसे जा रहा है क्वारंटीन? यार यहाँ पे तो एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट चल रहा है। मैं अभी अपने पाकिस्तान में दोस्तों से बात कर रही थी, तो वो तो अभी इधर उधर घूम भी रहे हैं, मजे भी हो रहे हैं। और यहाँ पर बैड सीन है, लाइक यू कैन नॉट गो आउट। इफ यू गो आउट यू गेट लाइक कितना, 25,000 दरम का फाइन है कि 20,000 दरम का फाइन है इफ यू आर सीन आउट। सो एवरी टाइम यू गो आउट यू हैव टू टेक जी परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। एग्जैक्टली। सकी मैंने मेरे भैनोई जो है ही इज अ पायलट, तो उन वो ही स्टक इन दुबई राइट नाउ फॉर द पास्ट 2 वीक्स। ओह तो ही इज इन शिट, दुबई, तो वो यही बता रहे थे कि लाइक आप बाहर वॉक करते हुए पकड़े जाएं तो देयर इज अ क्वाइट अ ह्यूज फाइन फॉर दैट। हाँ आई नो यार। मैं कल आफ्टर आई थिंक ऑलमोस्ट 3 वीक्स बाद आई हैव गॉन टू द ग्रोसरी शॉप एंड इट वाज सो स्कैरी। समी स्टक हो गया है। या स्केरी बात नहीं, आई हेलो, थिंक यू लाइक देयर? हाँ ऑब्वियसली। हाँ मुझे आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं बताई थी कि मैं 3 हफ्ते बाद कोई ग्रोसरी स्टोर गई हूँ एंड इट वाज सो क्रीपी। एवरीबॉडी वाज वेयरिंग ग्लव्स एंड मास्क और सब लोग एक दूसरे डर डर के घूम रहे थे, किसी के पास से घूमना वो ऐसे पलट के देखता था। सो इट वाज जस्ट लाइक शिट यार, इट वाज बेटर बीइंग होम। यार यहाँ पर कुछ मिक्स है। लाइक मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं भी एक आधे गया हूँ तो प्रिकॉशंस कर रहे हैं लोग, पीपल आर टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स, लेकिन स्टिल आई थिंक अभी भी यहाँ काफी इजी चल रहा है। तुमने बालों को क्या लाइक किया फेयरली है? रिलैक्स है। कैसा सूट्स यू? कोई ड्रामे के लिए किया है? क्या चीज ये बाल अच्छे लग रहे हैं, तुमने बड़े किया ना? हो गए क्वारंटीन में बड़े हो यार मैंने इतने लोगों के बाल खराब किए हैं। मैंने अपने ब्रदर इन लॉ, यू मेट हिम ना, और यू हैव जस्ट स्पोकन टू हाँ हिम है नहीं आई ना, थिंक फोन पे बात हुई, उसके बाल फोन पे उन्होंने बात हुई थी काटे, फोन पे बात हुई थी। बेचारा। हाँ, उफ ला बदतमीजी मत करो, बहुत अच्छे बाल काटे हैं मैंने, अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। फिर यार वैसे मेरी बड़ी मैं भी बेइज्जती कोशिश हुई कर रहा हूँ। है, मैं लाइफ स्टाइल पे आके ना लोगों से पूछ रही देखो थी कि इफ पहली यू दफा लाइक नहीं टू हुई, कट। होती रहती है, इट्स ओके। अच्छा बकवास मत करो तुम, दैट्स यू, दैट्स नॉट मी। पहले बस सबको बता दूँ, सबको बता दूँ। देखिए जनेश का मेरा कुछ इस तरह का है कि हमारा ये जो एक नोकझोंक लगी रहती है, ये इश्क जहे नसीब से स्टार्ट हुई है नोकझोंक। वो होता है ना कि पहले दिन आपका एक बंदे के साथ पंगा शुरू हो जाता है, तो मेरा जनेश का तो पंगा शुरू हुआ शूट के पहले दिन ही, पहला पहला फ्रॉम द वेरी सीन, फर्स्ट डे। पहला कट क्योंकि उसके पता बाद से क्या हमारे रहा पंगे चल रहे हैं। सीन क्या है, सीन ये है कि समी जो है ना, इतना इतना टांग अड़ाता है ना दूसरे बंदे के सीन में, इसको होता है मैं सबसे अच्छा परफॉर्म कर दू ना, तो ये फिर बता रहा था ये डायलॉग ठीक नहीं था। नहीं देखिए, आपने भरपूर सीन नहीं किया, आप एक दफा और करें, नहीं आप एक दफा और करें। देखें जितने भी लोग इस फील्ड में हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जनेश की रिएक्शन ने खुद ही बता दिया, जिस तरह मेरे बाल इतने लंबे हैं नहीं कि मैं खींच के आंखों के आगे ले आऊं, मैं इतने लंबे बाल हैं नहीं। असूलन लेकिन एक होते बात हैं, बताऊं, आपको चाहिए था कॉन्स्टेंटली छुपा के रखते हैं आप बालों से मुंह अपना, ना ये होना मैं एक चाहिए सच्ची थोड़े से। देखें मैं आपको देखें किसी एक्सटेंशन भी देख रहा हूँ किसी से भी इंतजार पूछ लें, किसी भी पूछ लें, मैं कभी ऐसा नहीं करता, काम 100% करता हूँ। जो लोग अक्सर होते हैं ना कि आप सीन कर रहे हो, लोग फोन में लगे हो और अचानक कहें कि किसी तरह मैं मैसेज कर लूं, ये गलत बात है यार। काम शायद नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है, इसलिए समझाता था और फिर ये मेरे से लड़ती थी।
तो बस इस तरह हमारे झगड़े होते थे। ये वाहिद हमारी लड़ाई होती थी कि मैं सीन के बीच में फोन क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये तो सीन के बीच में से रोजाना कभी अपने फूफो चाचू नाना सबको मिलने के लिए तो मैं जा रही होती थी ना, एक एक घंटे की ब्रेक लेके एवरी डे। सोच सकते हैं आप लोग, क्या इतनी ब्रेक लेता है ये कोई बंदा। एक दिन, कोई एक दिन, एक तारीख और एक टाइम के साथ बता दो। मैं एक बताती हूँ, थर्ड लास्ट डे शूट का टाइम अराउंड 7:30, यू आर वेयरिंग समथिंग ब्लैक पी कैप याद है मुझे, बट उसके अलावा नहीं कुछ मुझे पता, इतने गौर से देखता कौन है तो गया और गए थे तुम, आई थिंक यू यू हैड अ मीटिंग विद द डायरेक्टर और समथिंग, राइट? हाँ, तो मेरा चाचा या फूफा या कोई रिश्तेदार तो नहीं था ना, काम था ना। हाँ There's a देखिए समीप difference। लोग कह रहे हैं कि समीप प्लीज ऐसे मेरी जर्नेश के साथ ना करें, देख रहे हैं मेरी आप, जर्नेश, ओ देख एम रहे जी, हैं कौन है मेरी जर्नेश वाला, इसको तो मैं देखो ना, कौन है ये। दे नहीं, मैं अपने भाई को भी मैसेज भेजो ना, कौन कह रहा है मेरी जर्नेश फल्ला। प्यार है, प्यार है लोगों का समीर, लोग जी समझते जी हैं प्यार बिल्कुल करते हैं दिल से। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल यही लोगों का प्यार है और सबकी यही है। अब देखो, स्मार्ट समी भी वो तुमसे पढ़ा ही नहीं गया होगा, वो तुमने कमेंट देखा ही नहीं होगा, वो देखा ही नहीं ये होगा, यू गाइस वर ऑसम ये भी नहीं पढ़ा गया होगा, सिर्फ वही पढ़ रही हो जो नजर आ रहा है, बस क्या बस ना करें। ऐसा हो जाता है, मैं क्या करूं, वो इतने सेल्फ सारे सेल्फ थे ना कि सेल्फ मैंने सोचा मैं सेल्फ अवॉइड कर सेल्फ दूं, नहीं पढूं नहीं ऑब्सेस्ड। पढूं, बस क्या करूं मैं, सेल्फ सेशन तो नेक्स्ट लेवल पर है। अपना और बताओ, क्या हाल है, क्वारंटीन एक में कैसे जा रहे हैं, क्वारंटीन में क्या हालात हैं, इमोशनली यार कैसे हो, एक साइकोलॉजिकली कुछ ना कुछ मैं भी शेयर करूंगा इसके बाद। तो तुम्हारा कैसे जा रहा है अब तक? यार बड़ा एपिक चल रहा है, हम लोगों ने तो बोर्ड गेम्स रखे हुए हैं। ओ देयर इज दिस न्यू गेम, मैं तुम्हें पिक्चर भेजती हूँ, यू नीड टू गेट इट, इट्स एपिक, इट्स सो मच फन, इट्स कॉल्ड कटैन, हैव यू प्लेड? नो, नहीं? अच्छा, सो इट्स अ बोर्ड गेम, ठीक है, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपना बेसिकली यू हैव टू कंस्ट्रक्ट सिटीज एंड यू नो यू हैव टू लाइक अपना बिजनेस आप चला रहे होते हैं उसमें बेसिकली, एंड इट्स सो एडिक्टिव, इट्स सो नाइस, मैं तुम्हें भेजती हूँ, यू गोना फॉल इन लव, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बेटर वर्जन ऑफ मोनोपोली। अच्छा, मुझे मुझे अचानक गेम से याद आया है कि यार, एक मैं लोग से मैं लाइफ तुम्हें चैलेंज दे दूं, अगर मॉर्टल कॉम्बैट खेलती हो ना, कौन सी खेलती हो, हाँ या स्ट्रीट फाइटर, कौन सी गेम खेलती हो, मॉर्टल कॉम्बैट कुछ ज्यादा खेलती गेम, हूँ। तो कब हम लाइव मुकाबला कर रहे हैं लोगों के लिए, लाइक इफ यू हैव अ PS4, लेट्स गेट ऑनलाइन एंड लेट्स हैव अ लाइव कंपटीशन फॉर पीपल, लेट्स सी हु यार बीट्स हु, ओपन चैलेंज मुझे पता है, सब लोगों मैं के पता है सामने। प्रॉब्लम क्या है, मैं बताऊं तुम यार अच्छे दोस्त हो ना, मैं नहीं चाहती डर कि मैं गई सब लोगों डर को कॉल गई में डर ऐसे गई बोलूं, डर बताओ गई तुम डर उस गई। लड़की से गेम हार जाओगे तुम तो क्या होगा रेपुटेशन का, कैसे दुनिया पे हाय शक्ल दिखाओगे, मैं ख्याल है ना मुझे, मैं क्या करूं, अच्छी बहुत हूं मैं दिल से, कभी कभी तो समझ अल्लाह, है ना। नहीं आता पता है क्या, जी जी दिस बिल्कुल इज सही। फन, लेट्स जस्ट डू इट, नॉट विद कटे, हाँ नॉट हाँ विद मॉर्टल कॉम्बैट, बट देयर इज अनदर गेम दैट अ फ्रेंड ऑफ माइन कीप्स प्लेइंग, इट्स कॉल्ड फोर्टनाइट, इट सीम्स अ लॉट ऑफ फन, सो उसमें भी पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड दे कीप प्लेइंग, इट लुक्स अ लॉट ऑफ फन, आई हैव नॉट प्लेड इट बट ट्राई चलो कर चलो, सकते मैंने भी नहीं खेली हुई, मैंने भी नहीं खेली हुई, दैट्स दैट्स हो। दैट्स हाँ न्यूट्रल, इसी ओके, ऐसी हम गेम दोनों में ने खेली करते हैं हुई, जिसमें दोनों को ही नहीं आता मैं देन भी वी इसके विल साथ सी सेम हु स्टार्ट विन्स। करूंगा। देखो, तुमने हार के रोना नहीं है, रोना नहीं है, पक्का और आपने भी नहीं, आप भी एक्सेप्ट कर लेगा आराम से हार के, मैं जी। इससे मैं कमेंट डिबोरा तो जनिश, लूंगी, आई और तुम लव देखना योर तो मैं वे, डिबोरा से इतना मेरा पीटूंगा, भाई, आप असल में मिले, आपको लक पता जाएगा। क्या हाँ किसी ने लिखा होता, जनिश आई लव टॉकिंग, मैंने कहा कभी असल में मिलो तुम्हें लग पता जाएगा। बदतमीज इंसान है, ऐसी कोई बात नहीं है, यही असल है ना, तो दूसरा तो कोई है ही नहीं चेहरा, यार, दिस इज व्हाट इट इज। चलो ऐसा करते हैं, कुछ तुम्हारी लोगों आवाज की बड़ी कट रही है कमेंट्री जहां, हाँ करते हैं। हाँ, समीक खान, क्या माय ब्रदर प्लेस फोर्टनाइट, किसने कहा फोर्टनाइट खेलते हैं यार, फोर्टनाइट मैं तो जरा डेस्टिनी खेलता हूँ, लेकिन मजे की बात देखते हैं, हमारे बारे में कोई बात हुई, तेरे ये क्या है, हाँ क्या आया था, मैं भूल गया, ये दिल मेरा में आपकी समीप तारीफ पढ़ना आ ही रही है, भूल बहुत गया, अच्छा, मैं भी वैसे वैसे मैं भी आपका ड्रामा देख रहा हूँ, ये दिल मेरा, इट्स वेरी गुड प्ले देखा एंड यू तुमने, गाइस हैव वाज डन अ इट, थैंक वंडरफुल जॉब। यस यस, बहुत अच्छा किया, यू, एंड पता है क्या, इट्स गोइंग वेरी वेल, वेरी वेल। अच्छा थैंक यू, आपका तो सब जा ही रहा है परफेक्ट। उस समय मैंने वो मूवी देखी थी, मैं तुम्हें उसका फीडबैक देना भूल गई यार, जो अभी तुम्हारी आई है काफ कंगना,
यू डिड रियली अच्छा गुड वो तुमने कहाँ देखी, कब देखी? ओके थैंक यू यार। थैंक यू मैं थैंक यू। उसका क्या नाम, तो इसने मोबी ने निकाल के दी थी मुझे नेट पर ना, तो वो मैंने देखी एंड आई लाइक दैट, आई लाइक योर वर्क, लाइक बाल भी सूट कर रहे हैं एंड फाइट सीक्वेंसेस वर रियली अमेजिंग, आई फाउंड इट रियली नाइस। हाँ फॉरगेट मी बिल्कुल, नॉट, थैंक यू सो मच। अमेजिंग। हाय जोवू, यार दिस इज लोग माय लोग फ्रेंड। क्या हुआ? मैं विजी पढ़ रहा था क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या हाय, कमेंट्स आ रहे हैं, फॉरगेट मी फीडबैक आ रहे हैं नॉट, लोगों के। डिजाइन वर्क्स इज माय फ्रेंड एंड ही सेज अमेजिंग जॉब, थैंक यू सो मच। जनेश यू वर लुकिंग लवली एंड इज देयर नसीब, थैंक यू। इज देयर नसीब में आप लोगों को लगा कि जस्टिफाइड एंड था हमारा दोनों का? हाँ वैसे दैट्स अ गुड क्वेश्चन। लेट्स सी जितने भी लोग देख रहे हैं बताएं कि क्या होना चाहिए था, यानी क्या मुझ जैसे एक अच्छे इंसान को जर्नी जैसी बंदी मिलनी चाहिए थी लाइफ में कि नहीं। आपकी भाग खुल गए आपको, आई मीन क्या नाम था मेरा, दुनिया यानी जैसी, इन इन ग्रुप ऑफ आपके जैसे लिविंग नसीब खुल गए। सोसाइटी मिल गई। लोग सोचे होंगे जी जी डिजर्व भी नहीं बिल्कुल। करता ये, कैसे तुम ऐसे, पता है एक्चुअली तुम्हें लोगों को तुम नेक कब से लगना शुरू हुए हो, उस ड्रामे के बाद से, बिकॉज दे वर लाइक क्या इस मेरे पास लड़की एक को क्या वीडियो, होगा पड़ा काम, मेरे पास तुम एक वीडियो पड़ी है जर्नीश अभी की। आई रिमेम्बर जर्नीश ने मेरे मेरे साथ एक पास एक हरकत की वीडियो थी। मैं पड़ी सेट के है। ऊपर नहीं, एक सेकंड, मैं सेट के ऊपर मेहनती आदमी हूं ना, तो जब मेरा गैप आया तो मैं थोड़ी देर सो गया सेट के ऊपर। तो किसी ने आके मेरे ऊपर पानी फेंका शावर से ना, तो उसके बाद मैंने दो दफा फेंका। तो वो दोनों वीडियोज मेरे पास मौजूद हैं, सोच रहा हूँ पोस्ट कर ही दूं, आजकल लोग तो देखेंगे पता गौर है, से। अच्छा चलो एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट ये, चलो ये करते हैं वीडियो बैटल। मेरे पास एक वीडियो है, कौन से दिन वाली, जिस दिन हम लोग मैं, जाहिद, तुम, सोनिया बैठे हुए थे। हाँ इट वॉज इन हैदराबाद, सखर 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 में थे, आई थिंक सो, सखर में थे या या हैदराबाद, हैदराबाद हैदराबाद हैदराबाद। हैदराबाद में थे। हाँ मेरा ख्याल है हैदराबाद में थे, या बट दैट वाज अ फन नाइट, नहीं, दैट वाज अ फन नाइट। आई थिंक ये वीडियोस वाला कॉन्टेस्ट रहने दो, इसको दे दो, बेहतर है। हेलो, देखा ये व्हाट डज दैट टेल यू गाइस, ये बैक ऑफ कर गया कोई बंदा, व्हाट डज दैट टेल यू, आई मीन यू नो एक लाइक पीपल सेकेंड, आर किसी ने स्मार्ट कहा विद। है जर्नेश अगर आप डॉक्टर होती तो अच्छी, तो डॉक्टर होती तो क्या ही बात होती, डॉक्टर होती क्यों, शक्ल से क्या डॉक्टर लगती है। यार जाहिर है, मतलब डॉक्टर्स बड़े प्यारे होते हैं तो ऑब्वियसली कह सकते हैं लोग। हाउ आर यू समी, नहीं वैसे समबडी इज वैसे वैसे आस्किंग, आजकल हाउ यू आजकल आर तो आजकल तो साधु। सब डॉक्टर्स वैसे कमाल हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरे भी इतने दोस्त डॉक्टर्स हैं, एंड जो दोस्त नहीं भी हैं, दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क थ्रू आउट द वर्ल्ड। यार आई थिंक दे आर फ्रंट लाइन सोल्जर्स राइट नाउ, और अब तो वो दे आर ऑल्सो गेटिंग इफेक्टेड बट स्टिल दे आर होल्डिंग द ग्राउंड। तो आई थिंक उन सबके लिए एक बार स्पेशल प्रेयर फॉर ऑल ऑफ देम। यार And it's not just doctors, I mean all these shopkeepers. I was at the एग्जैक्टली grocery store yesterday and you know these guys just have to work. They're, उनके पास कोई चॉइस यस नहीं है एग्जैक्टली। सच। यार So लाइक मैं वही yeah, कहता हूँ ना, एक अजीब बिजी। सी है कि इस सिनेरियो इतना अजीब सा है कि आप इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान आप लॉकडाउन पूरी तरह कर भी नहीं सकते, बिकॉज हमारे यहाँ पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। आप जो डेली वेज वाला बंदा है उसको आप नहीं रोक सकते आप। सो इट्स अ वेरी अजीब सी सिचुएशन है। अब लेट्स सी, अभी तक गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल से सही हैंडल कर रही है, लेट्स सी कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएं, जो रिलीफ प्रोग्राम्स है वो लोगों तक पहुंचे। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज रिसेंटली आई जस्ट हर्ड अ स्टोरी, आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड से इट है, बट वही जो पैसों वाला था कि देना है टू लाइक वुमेन, उसमें भी कोई हो रही थी चीजें, आई जस्ट आई शुडंट यार से देखो इट देखो है। देखो 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 हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छे बुरे काम होते हैं, लेकिन आई पर्सनली बिलीव किया, चलो अगर कोशिश से आप 60% दैट्स सही लोगों तक भी व्हाट पहुंचा देना, इवन दैट मेक्स अ डिफरेंस। जिस तरह मैं सबको एक बात कह रहा हूँ कि यार आप कहीं ना कहीं आसपास लोगों को जानते होंगे हु नीड योर हेल्प, जो कि सफेद पोशाक आपको कह नहीं सकते बट दे नीड इट। तो आप अपने आसपास भी अगर 10, 12, 20, 30 लोगों का ख्याल रखना शुरू कर दे, तो आई थिंक आप अपना काम पूरा करेंगे। या दैट्स ट्रू। ऐसे ही था समी भाई, कोई कह जबरदस्त रहा था। है हाँ कि हमें साथ में एक और ड्रामा करना चाहिए, और फिर कोई ये कह रहा है थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग समी, एंड देन देयर इज दुबई से वापस आते हुए हमारी भी। हाँ व्हाट, क्या 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 पढ़ लिया छोड़ो। समी आके यू चला आर के लेजेंड ब्रो, होप यू आर कीपिंग वेल, देख नहीं यस रहे आप अल्हम्दुलिल्लाह आई क्या एम कीपिंग करिए, वेल। इतना पानी में, उफ अल्लाह, इट्स नॉट इवन फनी, कुछ और करने के लिए नहीं होता। अभी लोग कह रहे हैं कि यू हैव लॉस्ट वेट, लोगों ने इतने लोगों ने बीच में कमेंट लिखा है कि जनेश यू हैव लॉस्ट वेट, यू लुक सो क्यूट मैम, ओ हाय आइडियाज,
समी सॉन्ग सुनाए ना अपनी आवाज में, यार मेरी आवाज बहुत अच्छी है, मेरा ख्याल है वो लोड उठा नहीं पाएगा सारा, इंटरनेट एकदम क्रैश ना हो जाए, इसलिए मैं किसी दिन रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दूंगा। मैंने समी की सबसे बड़ी क्वालिटी जी पता है, मॉडस्ट बहुत है, बहुत हद से ज्यादा। हाँ आवाज तो मेरी बहुत ही अच्छी है, आई नो। हाँ एक्टिंग एक्टिंग तो मैं बहुत ही अच्छी करता हूँ, इंसान मुझसे अच्छा। ऐसा मैंने कब कहा है, कब कहा है? अभी लोग ना मुझे भी आवाज जानते, मैं तो मजाक किया यार, मैं सिंगिंग नहीं कर सकता, मुझे पता है मैं सिंगिंग नहीं कर सकता, आई एम नॉट अ सिंगर। नहीं तो बहुत अच्छा गाते हो एमी, वो तुम्हें याद जी नहीं जी जी है? जी बिल्कुल, रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा। नहीं, वो ये हमने नहीं था लिप गाना, वो सिंक कौन किया सी था, गाया पिक्चर? नहीं था, नहीं वो गाना था जिसपे वीडियो हाँ नहीं थी, सॉरी, हम डांस अच्छा कर लेते। कौन सा गाना था जिसकी वीडियो बनाई थी हमने, क्या ठहरो वो मैं याद कर रही नाम था हूँ। यार, भूल गया, उसकी वीडियो भी पोस्ट की हुई है, वीडियो भी पोस्ट की थी, हाँ क्या था यार, देवानंद देवा स्टाइल, वो हमने एक स्टाइल किया था बड़ा डिफरेंट था, लेकिन क्या था वो, वालेकुम नेवेदितम। असलाम, हाँ, चलो ढूंढ के नहीं पोस्ट करेंगे अब, इससे याद है, कोई नई वीडियो ऐसी बनाएंगे हम, हाँ वी हैव टू डू वो समथिंग लाइक याद दैट। है, वो भी हमने करना था लेकिन फिर उस वक्त रमजान शुरू हो गए थे तो फिर नहीं किया हमने। हाँ लड़की आ एग्जैक्टली है वो एक था, फिर रमजान शुरू हो गए थे तो फिर नहीं किया हमने। हाँ जी, और अभी फिर शुरू होने वाले हम, कुछ ही हाँ दिनों में रमजान भी आने वाला है इंशाल्लाह। हाँ जी हाउ समीहा, लॉन्ग व्हेन हैज इट विल बीन? वी सी यू नेक्स्ट? यार आई थिंक एक साल हो गया यार, आई रिमेम्बर लास्ट ईयर हमने किया था इश्क ए नसीब, एंड आई रिमेम्बर कि लास्ट ईयर रमजान में हमने उसका लास्ट स्पेल किया था हैदराबाद वाला, इफ यू रिमेम्बर, और हम वो जो जो एक सीक्वेंस था, जो डांस वाला, जो ड्रीम सीक्वेंस था, जो शादी वाला, और उसके अंदर सुबह के कोई आई थिंक जब सहरी का टाइम हुआ, तुमने शूटिंग बंद किया, हमें हमें पीछे से कॉल किया, अब बस कर दें भाई, बहुत हो गया। और मेरा ख्याल है उस दिन हम लोगों ने कुछ खाए पिए बिना ही रोजा रखा था, जी जी बिल्कुल, क्योंकि हमें खाने का बिकॉज मौका ही नहीं है ना, मिला, क्योंकि अजान हो गई थी वहां पर और सीन ही बंद हो चुका हुआ था पीछे। और बस यार वो हार्डवर्क हमारा काम करते इतना हैं हम आसान लोग, नहीं बड़े है। मेहनती लोग। हाँ मैं तो अल्लाह का शुक्र है बहुत करता हूँ, आप भी कोशिश करें, कर सकती हैं हार्डवर्क। वन वर्ड फॉर, वालेकुम असलाम इमरान चौधरी, आपको बहुत बहुत सलाम। यार आई थिंक लोगों के कमेंट्स भी कुछ पढ़े, क्योंकि सब लोग बीच में कह रहे हैं हमारी हाँ बातें भी प्लीज सुने, आपस में पढ़ते। हम लगे हुए हैं, हाँ अभी तुम्हें दिल तो भेजते, दिल का जवाब मैं क्या सुनी दूं, दिल किसी ने फहद भाव ने दिल भेजा, ये लो भी आगे से दिल ले लो, क्या बोले आप, आपस में मैंने ये भेजा, ओके यू नहीं डू जरनेश का दिस, चाहिए व्हेन समवन सेंड्स यू अ हार्ट यू डू दिस, मैं फोन की पर रख के फिर ऑब्वियसली हाथ क्यों क्यूट करूं चीजें यूं? तो तुम्हें आती नहीं होंगी जिंदगी में करनी, सो इट्स ओके आई अंडरस्टैंड। चलो जी, मोहम्मद बहरोज के, हेलो भाई, हेलो भाई कैसे हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, है अपना दिल आई तो लव हमारा, यू किसने गाना सिंगिंग बता दी, बता इंटरव्यू। दिया है किसी ने, गाना बता दिया क्या हुआ? है अपना दिल, वो गाना है अपना दिल तो हाँ आवारा, किसने अभी पोस्ट किया, हाँ जिसने भी किया, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा एक दफा, जिसने भी वो गाना पोस्ट किया है, मरियम मरियम है, मरियम मरियम है ने पोस्ट किया है अपना दिल तो आवारा, थैंक यू मरियम गाना याद दिलाने का, थैंक थैंक यू यू। मरियम। हाँ वो अच्छा तो गाते हो तुम। एंड डू यू रिमेम्बर, तुमने एक और पुराना गाना मुझे ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का बताया था, विच आई रियली लव, फिर मैं सुनने लगी थी पागलों की तरह रिपीट पे करके। या वो बहुत अच्छा कौन गाना सा था, था, बड़ा मैंने सबका दिमाग खाया उसके बाद, वो गाना लगा लगा के रिपीट पे। सेट पे ज्यादा टाइम गाने ही सुनती थी, वो तो कोई भी हो सकता, और आप क्या कर रहे होते थे? मैं अपनी लाइंस याद कर रहा होता था, और मैं कहता कि मेरे साथ वाला एक्टर काम क्यों नहीं कर रहे, मैं से लाइंस करें ताकि हम सीन रेडी करें, पता है, बहुत देखो ब्रिलियंस पता है क्या होती है ना समी, कि आप गाने सुन रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, पर आप सीन अच्छा करके चले जाते हैं फिर ना, ये इतनी पर मुझे पता नहीं कैसे हो जाता है ये। एक नहीं, उसमें तो आप, यू आर गिफ्टेड मार्शल, यू आर अ वेरी गुड एक्ट्रेस, इसमें कोई शक की बात नहीं है, यू आर तो वेरी मैं जब गिफ्टेड, फॉरेन स्क्रीन पर जाते हैं ना, फिर मुझे भी फिर थोड़ा सा कम हो जाना पड़ता है यू आर मीन। वेरी टैलेंटेड, लेकिन इस टैलेंट को बेहतर, यानी आप और अच्छा कर सकती हैं, सॉरी 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 यार, ये हमारा हंसी मजाक चलता रहता है, और ये हाँ इसके बल्कि मजे की बिना बात हम लोग कहूं, चल नहीं सकते, ये टांग खींचे बिना ये हमारा चल नहीं सकता, हम पागल हो जाएंगे नहीं तो ना। हाँ नहीं तो वो हमारा एक साइकोलॉजिकल इशू हो जाएगा, तो इसलिए हमारे हाँ दरमियान एक अच्छी दोस्ती जरूरी है, क्योंकि आई थिंक हम लोग बहुत इमोशनल काम करते हैं, रोना धोना भी बहुत होता है, तो इसलिए हंसी मजाक जरूरी है हमारे काम में।
और यू आर बोथ मतलब लुकिंग पर्सनली ब्यूटिफुल. ओह, कौन कह रहा है ये? कोई सच्चा आदमी, कोई सच्चा है कोई, मैं देखता हूँ कौन है, किधर गया. किसके बारे में कहा उसने? लावीजा अच्छा ताहिर है, दोनों के बारे में क्या टेंशन है, लो दोनों को कहा है, सिर्फ अच्छा मुझे नहीं ठीक कहा, है, नहीं दोनों को मुझे कहा लगा है. कि उसने आपके बारे में कहा है, तो कहीं गलत सी बात कह सकती है, आराम से ऊपर जा रही है, इसको वापस ही चलाया जाएगा डिस्कवरी। नो बट लाइक ऑन अ सीरियस नोट, पता है इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव समबडी हु हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड देन हुज अ गुड ह्यूमन बींग, सो यू नो दैट वट एवर इज बींग सेड इज जस्ट यू नो एक मूड लाइट रखने के लिए। कोई लाइक इफ आई से एनीथिंग टू यू आई हैव दिस ट्रस्ट, आई नो कि तुम दिमाग में नहीं लोगे और है नहीं तुम्हारे पास, और तुम्हारा भी ऑब्वियसली ऐसा ही होता होगा जाहिर। आप अंदर सब देखो बकवास क्या कर रहे हो। क्या क्या सोच है, क्या क्या सोच है अपनी तरफ से कि लाइक नहीं, सही कह रही हूँ, मजाक कर रहा हूँ यार. देखिए, मेरा मेरा मसला जी ये है कि मैं जर्निश के साथ सीरियस बात नहीं कर सकता. हाँ हमारे जब भी व्हीलचेयर पे ये होती थी, जब भी व्हीलचेयर पे होती थी शूटिंग के दौरान, तो हम उसके ऊपर खेला स्क्रीचे भी मारा करते थे उस व्हीलचेयर के ऊपर. हमने यूज्ड टू उस हैव सो मच व्हीलचेयर फन. पे ड्रिफ्टिंग भी करने की कोशिश की है, रिमेम्बर? बल्कि एक बार याद है जनेश ने क्या किया कि मैंने कहा मैं इसको रोकता हूँ, तो जनेश ने कहा नहीं, मैं पूरी स्पीड में आगे बढ़ा, तुम रोक के दिखा. मैंने रोका रोका, वो उठ गई थी, याद है, मैं उलटने पीछे गिरने लगी वाली थी अपने उस पे, तो उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि जो वर्कआउट करता है फिरता है एक्चुअली है डोले बोले इसके, मतलब भाई थी. यस हाँ, नहीं वो उसने। टीवी पे दिखाते नहीं है ना यार, बस टीवी पे जरूरत नहीं होती. हाँ हाउ इज फैमिली, हाउ इज होम, और अभी तक क्या लग रहा है दुबई में लॉकडाउन का, कब तक एक्सटेंड हुआ है? फैमिली इज गुड, अल्लाह का शुक्र है। और लॉकडाउन मुझे तो लग रहा है कि अब कह रहे थे कि रमजान में शायद खत्म कर दें और ऑफिस एंड मॉल्स दोबारा खुल जाए, पर मुझे अभी तक नहीं लग रहा, क्योंकि वो सिर्फ थोड़ा सा नहीं ईज इन कर रहे होते, फिर जैसे ही टाइम गुजरता फिर वो कहते हैं 2 हफ्ते और बढ़ गए, बट फ्रॉम वट आई सी आई हाँ, थिंक ऐसा ऐसा कर रहे हैं. हाँ, रमजान के डेढ़ महीना बाद खुलेगा। चलो अल्लाह खैर करे यार. आई जस्ट विश के ये मुश्किल वक्त सभी के लिए आया है, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह सबके लिए आसानियां हो, सबके लिए बेहतर हो. और ये कोई हो रहा ही है ही, कह रहे मेरे कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ रहे, बिकॉज मैंने मैंने जर्निश की तारीफ पता नहीं क्या जी लंबा लंबा लिखा हुआ है आपका, पढ़ लिया हमने. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई हैव मेट यू बोथ. ये कौन है जो हम दोनों से मिला हुआ? नवीद अजहर रनवे मैगजीन के हाँ, यस यस यस, नवीद. या आई थिंक यस यस, हाय पहचान गया नवीद, हाउ पहचान आर गया. यू? यू आर अमेजिंग अच्छा, पिछले योरसेल्फ दिनों ना मैन। पिछले दिनों हम एक याद में उसी रेस्टोरेंट पे गया जहाँ एक दफा गए थे, यू मी जैम सब, यार मैं मैं ये और हमारे स्टोरी बड़े शेयर प्यारे करना दोस्त. चाहती हूँ, मेरा दिल कर रहा है। यू फिनिश देन आई विल हाँ, शेयर द सुनाए स्टोरी। सुनाए. नहीं, आप सुनाए, आप सुनाए, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर जाऊंगा. अच्छा तो बेसिकली ना मेरी एक और दोस्त है हमारा, वो मैं और समी हम तीनों एक आई मीन एक दूसरे के लिए बहुत लकी है, तो जब भी हम लोग साथ होते हैं ये हमारी इंटेंशन नहीं होती, बट आई डोंट नो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम हमें कोई बिल करने नहीं देता पे। सो वो ऐसा लकी रेस्टोरेंट है हमारा जहां हम वी हैव गॉन लाइक 4 टाइम्स बैक टू बैक एवरी नाइट, और खुल्ला हम लोगों ने चारों दिन सोचा कि आज तो दबा के खाएंगे, ये भी ऑर्डर करेंगे वो भी ऑर्डर करेगा, पता नहीं क्या क्या चीट डेज चल रहे थे हमारे। और हमारे जो बिल्स थे ना वो इवेंचुअली एक हमारे साथ फोर्थ फ्रेंड, जो कि फ्रेंड का कोई म्यूचुअल फ्रेंड निकल आया, और वो ही वुड इंसिस्ट ऑन पेइंग इट, सो इट एक्चुअली काइंड ऑफ बिकेम अ हैबिट। सभी बहुत कंजूस थे, ये तो पैसे नहीं निकालता ना, तो ही जस्ट स्टार्टेड यू नो कि हम जब भी जाएंगे तो रेस्टोरेंट के साथ ही जाएंगे, तो ऐसा करना नहीं चाहिए सुने मेरे हिसाब में तो, लेकिन ये है कि चलो हर बंदे की अपनी अपनी नेचर होती, क्या कर सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल. और एक जिस दिन वो दोस्त नहीं था, उस दिन हमसे रेस्टोरेंट वालों ने पैसे नहीं लिए. यार डू यू रिमेम्बर दैट? अच्छा एक दिन तुमने कहा नहीं यार ये नहीं बंदा नहीं नहीं बहुत नहीं नहीं ज्यादा कर रहा है, वो इट्स नॉट राइट टुडे, अगर उसको करना हुआ तो वील जस्ट टेल हिम दैट इट्स नॉट राइट, यू नो यू नीड टू स्टॉप दिस। तो उस दिन हमने उसको किसी तरीके से कन्विंस किया कि नो, तो उस दिन हमारे से रेस्टोरेंट ओनर ओनर ने हु अपेरेंटली टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज फैन ऑफ समी, सो ही इज लाइक सर नहीं आपसे नहीं 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 ही इज अ वेरी गुड पर्सन, ही हैज बिकम अ फ्रेंड नाउ, जवाद. इनफैक्ट मैं ओ नाम ओके लेता हाउडी कराची में. अभी रिसेंटली आई वेंट देयर अच्छा अगेन, क्योंकि मुझे तो कॉलेज थी लॉन्चिंग समथिंग, तो मैं वहां जा नहीं पाया. तो जब मैं कराची में था, तो मैं और बदर महमूद, द डायरेक्टर ऑफ इश्किया हाँ ऐसी हाँ तनाई, ओके एंड तो बदर भाई के साथ खाने का मूड बना, तो कहते हैं वहीं चलते हैं, वहां बर्गर भी मिल जाएंगे, स्टेक भी मिल जाएगी.
तो मैंने वैसे ही कॉल की, मैंने कहा जवाद यार मैं, हम लोग आ रहे हैं तो रेस्टोरेंट ओपन है ना, क्यों उधर में भी शुरू हो रहा था ये कोरोना वाला भी लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता, तो हम चले गए वहां पे। और जब वहां गए तो ही ज्वाइंड अस ऑन द टेबल, इनवाइट किया, गपशप मारी, एंड बिल की बारी इतने इस हद तक बात है कि मैंने कहा मैं आइंदा नहीं आऊंगा, कहते आप आइंदा ना आए लेकिन अभी आप बिल नहीं दे सकते। सो दे वर सो गुड, सो रिगार्ड किया, सो दैट वाज वेरी स्वीट। एंड बाकी सब कुछ है कि कई दफा जर्निश से तो जब भी हो तो इनका अक्सर वो होता है, मैं क्या कहूँ, दोस्त हैं बहुत अच्छी, बहुत ख्याल करती हैं, लेकिन हाँ वो हमारा दोस्त बहुत अच्छा है वो। हाँ नहीं, लेकिन आई वाज जस्ट जोकिंग, ही इज नॉट कंजूसर सो एट ऑल। इफ एनीथिंग, हम लोग एक्चुअली खाना पीना एक एंटरटेनमेंट होती है, तो जब चाहे जिसका चाहे, दिल बहुत बड़ा है हमारे भाई का। नहीं तो इनफैक्ट मिलाकर इनफैक्ट तो इनफैक्ट आपने नहीं, जो हम यूट्यूब पे सबका करके वो स्ट्रिप्स कितनी खाई थी, ससमी समथिंग क्या थी वो, कौन सी, वो जो चिकन स्ट्रिप्स जो अच्छी आ गई थी, जब हम लोग वहां नहीं शूट कर रहे थे दादा के घर के एरिया में, पहले तुमने हाँ मंगवाई, फिर हाँ मैंने हाँ मंगवाई, हाँ फिर तुमने मंगवाई, फिर मैंने मंगवाई, देन वी शेयर्ड द लास्ट बैच। वो काफी काफी खाया था, काफी खाया था उन दोनों में, खाया काफी हम बहुत है। और फिर लोग देख के हमें कहते हैं कि हम कॉम्पैक्ट। सब खाते नहीं होंगे। नहीं नहीं यार एक्चुअली हम खाते हैं लेकिन हमारा काम बड़ा डिफरेंट होता है ना यार, हमारी काम की टाइमिंग्स ऑड होती है, काम ज्यादा करते हैं इसलिए सब हजम हो जाता है। हाँ चलो कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं, लोग ना तप रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ आप लोग आपस में बातें किए जा रहे हैं, हमारे तो कमेंट ही नहीं पढ़ रहे। हाँ हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, सभी ऐसी है तन्हाई, देखा लव्ड योर एक्टिंग, से थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। सारा अंडरस्कोर खान अंडरस्कोर S1। सेम माय नेम समी, वो फल जो सेम माय नेम आ जाता है ना। मनाहिल जारा कैसी हैं, ठीक ठाक हैं आप? कोई कह रहा है कि मैं, आप लोग मुझे भी लाइव चैट पे ले लें, कौन है? ऊपर चलाया कमेंट, उमर ग्रेट समझ। ग्रेट रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडिया, रिस्पेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल, आप लोगों के लिए भी रिस्पेक्ट हमारी तरफ से। Lots of love. Please say यस my name. I'm your biggest fan. Please say my name. Honey Khan 4334. अच्छा हनी वैसे खान बहुत 4334, लोगों का अपना नहीं होता, एंड दे स्टिल वांट देयर नेम टू बी कॉल्ड। अच्छा नाम ऐसे होते हैं आपको पढ़ते हुए भी 2 मिनट लग जाते हैं कि नाम है क्या है ये, कि नाम हाँ है ना। एग्जैक्टली लिखा हुआ क्या है ये। अच्छा जी सर, व्हेन विल यू डू योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट विद रुबाब, रुबाब समथिंग? अभी इंशाल्लाह जरूर सून, अभी तो इस वक्त जो ड्रामा कर रहा हूँ दैट इज उसमें एक है विद सोनिया के साथ, उसके बारे में लास्ट में बात की थी। सेकंड अभी कुछ मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता चीजें वगैरह, और सेकंडली कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की फरमाइश के ऊपर कुछ इधर भी कुछ प्रोजेक्ट साथ करें, आप लोगों को इतना पसंद आ रहा है काम तो देखिए ये कुछ ये मजबूरी सोच है, के। आई मीन मैं भी उसको हाथ से किसी लिए करूंगी, बिकॉज यू नो यू गाइस रियली वांट अस टू बी टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, सो ये कड़वा घूंटे लेकिन पी लेंगे, अभी क्या हो सकता है। नहीं अच्छा बस 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 फौरन बात लंबी कर दी, कमेंट्स भूल गई ना, फिर वापस कमेंट्स पे आओ। लंबी ठीक है किसी ना, ने कहा देखो समी गर्ल्स हैंडसम, थैंक यू सो मच। तो भड़ जाएगा जर्निश यू ठीक आर सच अ रियल क्वीन, OMG। है। दैट्स थैंक यू। मुझे तो आप थोड़ा तो शौक में ज्यादा चला गया अफसोस आपने। ना लगे, सच्ची बातें जो हो रही है ना उसको भी कभी हजम करना सीखें आप समी खान। इसकी तो शक्ल पे इतना दुख आ जाता है ना, मेरी सेट अच्छा पे भी अच्छा कभी अच्छा आई थी, ए, समी सड़ियल बन के कोने में। सोनी इशिता 16 पूछ रही है, समी को सबसे ज्यादा परेशान किसने किया, सोनिया ने या जर्नेश ने? क्या मुझे से इस सवाल का जवाब देने की जरूरत है कि जिसके अभी आप शक्ल देख सकते हैं, जो ये जो अभी इनके दांत अंदर नहीं जा रहे, यार पता है क्या ये सीन है ना, सीन ये है कि सेट पर ना मोस्टली एक लाइवली माहौल रखना पड़ता है, और मैं बहुत आई थिंक बहुत खुशी खुशी ये इल्जाम अपने पे ले लूंगी कि वो लाइव माहौल मोस्टली मैं ही रख रही होती हूँ। ये तो इतना सड़ियल है, मोस्टली तो ये बात भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता वो, तो मैं कोई ना कोई शुगर लगाकर कुछ ना कुछ करके, वरना ये पत्थर का आदमी बन जाते, अच्छा कभी कभी दिल का मूड नहीं नहीं खराब नहीं नहीं हो। नहीं 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 पत्थर का आदमी, इतना पत्थर का आदमी नहीं। मेरा मेरा मसला पता है क्या है, एक्चुअली मैं ना बहुत कम लोगों के साथ इस तरह मेरी दोस्ती होती है, तो जब होती है तो हाँ मैं बहुत अच्छी दोस्ती होती है, तो मैं वैसे अदरवाइज आई जस्ट मैं साइड पे बैठ के अपना काम करता हूँ, ज्यादा बहुत कम इंटरेक्ट करता हूँ, मैं कैंसेरियन शेल में रहता हूँ, बहुत कम लोगों से गपशप होती है, जब हो जाए दोस्ती फिर बहुत अच्छी होती है। मेमोरेबल फनी हॉलीडे एक्सपीरियंस और जस्ट अ फनी स्टोरी यू कुड शेयर, रिसेंट और ओल्ड, आप बताएं, आपने बड़ी बोल सैरें की हैं पिछले दिनों में।
यार हाँ, मैं शुक्र है वैसे अल्लाह मियाँ का लाख लाख के लॉकडाउन होने से जस्ट पहले लकीली मेरा फ्रेंड्स के साथ ट्रिप था, तो हम लोग जॉर्जिया गए हुए थे। उफ समी, इट वाज ओह अमेजिंग। यस आई नो हाँ ये तो बताया था ना, मैंने बताया था यस ना, मेरा तुम्हारा सोनिया जाहिद का भी तो हम लोगों ने कितनी लंबी लंबी फेंक रहे थे हम लोग बैठ के यार। हाँ प्लान एग्जैक्टली करते यार, बट यानी मेरे साथ बड़ा एक सीन हुआ कि मेरा उम्रे का प्लान था इस साल भी, लास्ट ईयर भी अल्लाह ने तौफीक दी इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वी वेंट फॉर उम्रा माय इंशाल्लाह। पेरेंट्स एंड होल फैमिली। एंड इस साल हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। यू वोंट बिलीव कि 27th की शाम की फ्लाइट थी और 27th की सुबह फ्लाइट्स बंद हुई हैं उम्रे की, शिट, बट बट चलो गुड बेहतरी होती है फॉर कोई ना यू कोई। बिकॉज़ यू आर या सेफ, या यू नो हालात वाकई नहीं, इतने हो गए और थे कि सेकेंडली आई थिंक सेकेंड देखो आई थिंक बेहतरी हुई जिस तरह के दिस टाइम माय डॉटर वाज, हम उसको नानी के पास छोड़ के जा रहे थे लास्ट ईयर, शी वाज विद अस। तो जस्ट इमेजिन अगर वहां जाते फंस जाते तो कितनी मुश्किल होती। तो हाँ आई थिंक हर काम में इमेजिन। अल्लाह की बेहतरी होती है। अब बेसिकली नियत देखता अल्लाह पाक, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर जरूर जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह यार, मुझे तो लग रहा है कि हज के लिए भी नहीं खुलेगा सब कुछ। बीच में मुझे लगा था शायद ठीक हो जाए, न्यूज आई थी, पर मुझे तो लग रहा है यार कि देखो इंसान पता नहीं नहीं। नहीं हज तो देखो तो फॉर द लोकल्स इट्स ओपन, आई थिंक लोकल जो वहां के लोकल है उनके लिए ओपन हो जाएगा, लेकिन बाहर के आई एम नॉट श्योर बट दे डिसाइड। अल्लाह करे यार, मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि ये जो एक कोरोना की जो एक आजमाइश आई हुई है, आई कॉल इट आजमाइश बिकॉज इसने हम सबको एक अपने आप को रिवेल्युएट करने का मौका भी दिया कि लेट्स थिंक अबाउट कि आपको क्या गलत करें क्या सही कर रहे हैं। सो आई थिंक इसको आजमाइश है, सो अल्लाह के लिए जल्दी खत्म हो जाए, लेट्स जस्ट अल्लाह ताला जल्दी आसानी कर दे सबके लिए। हाँ बिकॉज यू नो आप ये भी नहीं कह सकते कि खुल जाए बस चले जाएंगे देख लेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस टू इट, बस अल्लाह मियाँ ये जो भी है नहीं ये देखो जितना अक्सर लोग आजमाइश कहते हैं ना, जितना अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप कोरोना देखें जो होना है होना है, डेफिनेटली मौत का वक्त है ये ना, अल्लाह ताला ने जो एक फिक्स टाइम है आप उससे एक लम्हा ऊपर नहीं रह सकते, लेकिन एहतियात जरूरी है। जस्ट मेक श्योर कि आपकी वजह से भले शायद आपको वायरस हो, आप कैरी कर रहे हो और आपका इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो कि आपको कोई कोई सिम्टम्स ही ना आए, लेकिन आपकी वजह से घर में किसी बड़े को हो जाए तो आई थिंक दैट्स 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 बहुत एक आई थिंक इसमें उसके लिए एज मुश्किल एक चीज बाउंड्री होगी। भी नहीं है ना इसमें, इट्स क्लियरली अबाउट बड़े लोग तो फिर भी बच रहे हैं बिकॉज उनके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उन्होंने हेल्दी खाने खाकर उनकी जाने हैं। हम लोगों की पोक डाइट्स के साथ हम लोग बले पले बड़े हैं, हमारे इम्यून सिस्टम्स तो हम आपकी अपने मतलब लाइक हमारे दादा दूदा और ये जो माँ बाप है ना उनकी बहुत अच्छी जीन्स है, जेनेटिक्स इतने स्ट्रांग है उनके कि वो अभी भी हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। यू नो वो आ नहीं निकल रही होती दिन में हर मैंने बीच चीज में बात करते की कि और शुक्र है तुमने नोट क्या। नहीं की, तुमने कहा था ना कि फूकी डाइट है, मैंने कहा आपकी। नहीं तो आई मीन लाइक फूकी डाइट से मेरा मतलब ये है कि पहले टाइम पर दूध दही घी ये सब ओरिजिनल थी चीजें, मुर्गी देसी मुर्गी ये सब असल में मिलता था। अब इतना मुश्किल, और जब खासतौर पे जब हम शूट कर रहे होते हैं उस टाइम पे कितना मुश्किल, और जब हम ट्रैवल करके शूट कर रहे होते हैं कहीं आपको आउटस्कर्ट्स टाउन में जाके कहीं किसी के शूट करना पड़ जाए, तो क्या हमारी डाइट होती है? वही खाना पड़ रहा होता है जो होता है, विच इज एग्जैक्टली लाइक सो अनहेल्दी, इट इज व्हाट इट इज। बट समी ने यार ये फॉरन किसने पॉइंट बड़ा ऑफ मजे का व्यू करा था सवाल कि पूछा। नहीं मैं जी मैं एक बहुत अदाकार समी खान हूं, मैं डाइट का ख्याल रखता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, आई एम फिट। यार ये किसने एक सवाल पूछा, मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा ऑन अ सीरियस नोट। ये किसने आउट ऑफ योर कैलिबर ने लिखा है कि समी व्हाट एवर यू आर डूइंग लाइक एक्टिंग एंड ऑल दीज थिंग्स आर अलाउड इन इस्लाम प्लीज रिप्लाई। तो उसको मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे भाई देखो हर फील्ड में अच्छे बुरे इंसान होते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि जिस फील्ड में भी हो उसमें अच्छे इंसानों में आपका शुमार हो। इसी मीडिया के अंदर ही जुनेद जमशेद भी थे, हर मीडिया की हर चीज टूल का आप अच्छे बुरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा कोशिश करें कि आप जिस शोबे में भी हो उसमें अच्छे लोगों में आपका शुमार हो। और सेकेंडली इन्नम अलमालो बिनिया, नियत अल्लाह जानता है आप, और लेट अल्लाह बी द जज, मैं सिर्फ ये कहता हूं लेट अल्लाह हाँ बी द जज। एग्जैक्टली, आपको हक नहीं दिया किसी ने भी किसी दूसरे को जज करने का, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन अल्लाह में से कितना करीब है, कौन अपने पर्सनल टाइम में क्या करता है। प्लस आई वुड एग्जैक्टली टोटली एग्री विद यू कि प्रोफेशन डजंट डिफाइन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। बहुत अच्छे लोग हैं हमारे ही प्रोफेशन के, और ये भी सही है कि बहुत
जो चीजें जो स्पेकुलेशंस लोगों की होती हैं, बट इट्स देन अगेन इट्स नॉट जस्ट दिस प्रोफेशन, इट्स इट कैन बी एनी प्रोफेशन, इट कैन बी एनी प्लेस इन द वर्ल्ड. इट बाय द कैन एंड ऑफ बी द डे एनी यू वन माइट गेट बैक एनीवेयर टू इन द आर्मी वर्ल्ड. अच्छा एक एक जर्नी नर्सेस और पैरामेडिक्स का कोई जवाब है, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ. एक तो यार मैं जो कुछ लोगों के क्वेश्चन स्किप कर जाना, फिर ढूंढना पड़ता है किधर है सवाल. आप कम ड्रामे क्यों करते यस हो? सर, यू बोथ आर आपने बहुत लुकिंग गुड बार टुगेदर, माशाल्लाह. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच. यू. इंजॉयबल एंडलेस दानियाल यार खान. आई थिंक मुझे आई थिंक मिसिंग द टाइम जो कराची में वी यूज टू गो आउट, सब लोग मिस कर रहे होंगे. और ऐसा के लिए अभी बीच में थोड़ा सा होता भी है कि यार सब कुछ एक अच्छा एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक नहीं गया, लाइक आई एक नो. लम्हे के लिए एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड. और मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि मे बी नेचर नीड्स टाइम टू हील इटसेल्फ. मुझे ऐसा लगता है हाँ, और मुझे लगता है कि लाइक हम सब जिस तेजी से जा रहे थे ना, कि लाइक हर किसी को दिन का पता ही नहीं चलता था, एक साल का पता नहीं चलता था. लाइक अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कि हमने उसकी शूटिंग की थी इस तरह से कि लास्ट ईयर रमजान में कैन यू बिलीव एक साल इट, गुजर गया, एक साल गुजर साल, गया और पता भी नहीं चला. सो आई सीरियसली. थिंक ये अल्लाह ताला की तरफ से कॉल है कि एक मिनट रुको, ये सब कुछ यूं खत्म हो सकता है. टेम्परेरी है ये, यूं निकल जाएगा हाथ से. हाँ एग्जैक्टली. सो आई थिंक रिवेल्युएट करने का बहुत अच्छा थोड़ा टाइम मिला. सा इंटेंस हो जाएगी ये बात, बट आई वाज जस्ट जनरली वी वर डिस्कसिंग अभी 2-4 दिन पहले बैठकर कि लाइक इवन बिफोर इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड, उससे पहले जितनी भी उम्मतें आई हैं और जो जो कुछ भी हुआ है, हर दौर में एक मेजर अजाब आ चुका हुआ है उस हर हरकत पे जो इस जमाने में एक्यूमुलेटिवली हो रही है. लाइक हर इंडिविजुअल से, लाइक मुझे लाइक ऐसा लग रहा है कि अल्लाह मियां का ना गुस्से का लेवल इज लाइक बहुत पानी सर से, देखो एंड देखो एग्रीड बेशक. नीड्स देखो टाइम लाइक टू थिंक अबाउट थिंग्स. देखो मैं वही कहता हूं ना कि ये सब इवेंट्स आपको तन्बीह के लिए आते हैं. दे आर देयर टू वार्न यू, टू रिमाइंड यू कि रियलिटी क्या है. एंड दिस थिंग हैज शोन द रियलिटी कि दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग, इट्स जस्ट अ सिंगल अ स्मॉल वायरस यू कांट इवन सी हैज यू चेंज्ड द कैन होल फाइट इट. वर्ल्ड. द होल वर्ल्ड हैज फ्रोजन एक्चुअली. एक एग्जैक्टली, वक्त इस दुनिया में हर तरफ फ्लाइट्स जा पीपल रही थी, लोग सेकंड में कहां से कहां, सब आर लोग. नो रिलीजन नथिंग, इट्स अ सिंपल स्मॉल वायरस जिसने सबको कर दिया. सो आई थिंक लॉकडाउन, अल्लाह बस ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह अल्लाह पाक हमें माफ हमारी मगफरत फरमाए, हमें माफ फरमाए और हमारी तौबा कबूल करे. एंड लेट्स होप कि हम अल्लाह को राजी कर लें जल्दी से, ताकि अल्लाह पाक हमें इस आजमाइश से निजात दिलाए. जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि किसी ने पूछा कि अरे आजमाइश है क्या सजा है. So, एक बड़ा अच्छा मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि अगर ये चीज आपको अल्लाह के करीब लेकर जाए तो ये आजमाइश है, और दूर लेके जाए तो अगर ये आपको सजा है. अल्लाह दो तो सजा है. नाइस यार, सिंपल डेफिनेशन, सिंपल सिंपल डेफिनेशन. डेफिनेशन. तो फिर ये तो जनिश आजमाइश मुझे ही बताया, है. मुझे बताया आज आप खाने में क्या क्या बनाया आपने, क्या खिलाया, क्या खा रही हैं आज आप खाने में, कुकिंग की आपने या ऑनलाइन या ऑर्डर क्या किया हुआ आपने? तुम्हारे, एक सेकंड, रिपीट योरसेल्फ. आवाज बीच में मुझे कॉल आ रही थी तो कम हो गई. मैंने कहा कि आप आज खाने में क्या खा रही हैं, कुछ ऑर्डर किया है, कुछ बनाया है, क्या किया है? यार आई मेड चिकन आलू विथ शोरबे वाला चिकन आलू. दैट्स लाइक इट्स लाइक आलू गोश्त का चिकन वाला वर्जन, बट इट्स रियली नाइस. ओह बाय द वे, आई हैव बीन ओके कुकिंग अमेजिंग फूड, लाइक अमेजिंग, फिंगर लिकिंग गुड. ये देखें, ये जितने भी लोग नीचे कमेंट्स दे रहे हैं, ये मैं बताऊंगा खाना कैसा है जब इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे, हम दोबारा काम करेंगे या कराची मुलाकात होगी, तब बताऊंगा कि जर्निश ने कैसा खाना बनाया. तब तक मैं देखिए कोई कमेंट मेरा नहीं दे रहा. मेरे जिंदगी का एक असूल है, कि मेरे हाथ का खाना चखने के लिए मेरे घर आना पड़ता है. तो आप दुबई आए बीवी बच्चों समेत, और मैं आपको यहाँ पे बहुत मजेदार डूड कटलेट्स इतने अच्छे बनाए मैंने, पता है दिया था डे. सब वाओ, बेसिक आई चीजें कांट हैं. गेट ओवर इट. देखो देखो अब इनविटेशन मिल गया है ना, हालात खुलने तो मैं बेगम बच्चा लेके पहुंच भी जाऊंगा, तो कसम से एंटरटेन करना. और उसकी तरफ सिर्फ कटलेट से फर्क नहीं पड़ना, कोई और अच्छी चीज भी खानी होती है, कोई और अच्छा खाने भी होते हैं. मसलन ये आलू चिकन नहीं खिलाना होता, और भी बहुत सी चीजें होती हैं.
अब तुम मुझे ना कोई प्रोफेशनल शेफ ना समझ लो, लेकिन पांच छह चीजें जिसपे मेरा बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ है, चलो मैं तुम्हें वो पांच छह चीजें खिला दूंगी। वन ऑफ देम इज बिरयानी बाय द वे। चलो देखेंगे देखेंगे, वील सी वील सी। आई मेड नूडल्स वाले, आई मेड स्पेगेटी वाले कबाब्स, दोज वर रियली नाइस टू, मुझे याद आ रहे स्पेगेटी हैं, वाले कबाब, इंकशाफ बात हो ये रहे हैं। यू नेवर हैड क्या दोज? है? दे रियली अमेजिंग। इट्स काइंड ऑफ लाइक वो पास्ता समोसा नहीं मिलते फ्रॉम इस्लामाबाद, एफ हाँ ब्लू वे या फिर F6 पर, उस ओ चले टाइप जी, के मैं अब होते हैं आपसे बट जाना फिर। चाहूंगा क्योंकि अब खाने का टाइम हो रहा है लाहौर में, खाने का टाइम टाइम हो क्या रहा हो है, गया? शिट यार, घंटा तुमने समय मेरी जिंदगी का लिया। 45 मिनट्स, 15 मिनट छोड़ रहा हूं तुम्हें, डिस्काउंट दिया है, एंड यू बीइंग चलो, लकी, थैंक तुम यू इतनी सो लकी मच कि फॉर तुम मैंने 45 मिनट्स दिए हैं। मेरी तरफ से, लॉट्स ऑफ लव टू द किड्स एंड आवाज नहीं आ रही, अचानक आवाज चली गई तुम्हें। है, यू अब आ कांट रही हियर है, मी? हाँ, अब आ रही है, मैं कह रही हूँ थैंक यू सो मच फॉर आवाज ज्वाइनिंग नहीं आ रही, इन। आवाज नहीं आ रही, दोबारा कहना थैंक यू, क्या कहा है? Whatever. Love to the kids and salam to Bhabhi and everybody back home. If are बिल्कुल। you with your एंड parents अभी? हाँ, मैं घर आई मीन लाहौर फैमिली, क्योंकि मैं चाहता कि इस मुश्किल वक्त में घर पे ही रहूं, क्योंकि इन डिफिकल्ट टाइम्स आई आई थिंक आपको जितना मैक्सिमम हो घर पे रहें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, एंड सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि आप शायद इसको हैंडल करें लेकिन आपके पेरेंट्स जो बड़ी एज के, उनके लिए शायद ये चीज डिफिकल्ट हो सकती है। सो अपने द पीपल यू लव, उनके लिए जस्ट स्टे अवे फ्रॉम पीपल फॉर अ वाइल, इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे तो सब चीज ठीक हो जाएंगी, बट राइट नाउ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, अपने हाथ धोएं, अपना ख्याल रखें, एंड जनिश सबको दुबई में नई तरफ से सलाम, बहुत बहुत सलाम, और भाई को खराज तहसीन जो आपको बर्दाश्त करते हैं। दफा हो जाए ओके आप यहां से फौरन से पहले जल्दी। गाइस, थैंक यू सो मच, सॉरी मैं आपके ज्यादा ओके कॉमेंट्स टेक नहीं पढ़ केयर, सके, लेकिन एक जनिश कुछ दिनों में दोबारा आएंगे, फिर सिर्फ कमेंट्स के लिए आएंगे हम। आई थिंक हमने हमने चलो आपस डन की है। फोन को ना लोगों से शेयर कर ली है, हमने आपस की फोन को लोगों से हाँ शेयर कर ली है, नेक्स्ट टाइम जरा सब लोगों के लिए आएंगे हम, ठीक है? चलो चलो डन है, वी विल डू दिस सून। टेक ओके केयर, थैंक यू सो बारी, मच, टेक अल्लाह केयर, हाफिज, बाय बाय। बाय बाय। ओके जी, सो ये था लाइव सेशन विद समी। बाय द वे, हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत मीन हो जाते हैं और एक दूसरे को ये तो चलता ही रहता है, कॉन्स्टेंट नैगिंग, बट आई अडोर दिस बंदा, आई इमेंसली अडोर हिम बिकॉज ही इज लाइक द प्योरेस्ट सोल देयर इज। और मुझे एक्चुअली मेरी सिर्फ उन लोगों के साथ बनती है जो प्रिटेंशियस नहीं होते, हु कैन बी देमसेल्व्स एंड हु आर कंफर्टेबल इन देयर स्किन, एंड दिस मैन इज आई मीन ही इज व्हाट ही इज, he doesn't have a double face, he's just like the purest person I have seen. So yeah, so that was the chat. I hope you guys enjoyed it. I'm sorry हम लोग आपस में, actually हम लोग काफी दिन बाद इस तरह बात कर रहे थे तो जरा वो आपस की ज्यादा लगे। I couldn't read your messages, so I'm quickly gonna read some of your comments. जर्नेश, दुबई में कहाँ से हैं आप? सब बता दूं मैं आपको जर्नेश, आपके बाल कितने प्यारे हैं, थैंक यू। व्हाट इज योर ब्यूटी सीक्रेट? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। ब्यूटी सीक्रेट पता नहीं, वैसे तो ऑनेस्टली मेकअप भी लेकिन ये है कि मैं वैसे ज्यादा मेकअप नहीं करती, मेरी जो मेकअप की मेन चीजें हैं वो है लिप टिंट, लाइनर, मस्कारा एंड ब्लश जो मैं मोस्टली यूज करती हूँ। पानी बहुत ज्यादा पिए, ट्राई टू स्टे पॉजिटिव और सिंपल रहे, ज्यादा सोचे नहीं। चैट करेंगी आप? चैट करूंगी मैं आपके कमेंट्स पर कैसे रिप्लाई करूंगी? हेयर केयर टिप्स प्लीज, कुछ ऐसा एक्स्ट्रावेगेंट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप लोग वो बेसिक चीजें जो हम बचपन से अपने घर में सुनते हुए आ रहे हो, द वन दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड, पर्शियन पर्ल सेज प्लीज प्लीज टू व्हाट, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर मैम, दैट्स माय बेस्टेस्ट फ्रेंड एवर, आई लव यू एंड आई मिस यू, एंड यू नो एज सून एज द लॉकडाउन शट्स डाउन एंड जस्ट गोज अवे, यू हैव टू कम, यू हैव टू विजिट मी हियर, अदरवाइज यूर डेड। अच्छा, सो आई वाज सेइंग कि कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट करने की जरूरत नहीं है। आप तेल लगा लें, आप दही अंडा लगा लें घर पर, अगर आप तेल की मालिश भी एटलीस्ट 2 दिन छोड़ के 1 दिन कर लेंगे, इट रियली हेल्प्स। सो प्लीज जस्ट डू दैट एंड इट विल डेफिनेटली शो रिजल्ट्स। कुछ किए बिना कोई ऐसा मैजिक नहीं होता, हम लोगों का आप लोगों को देखने में नजर आ रहा होता है ना कि ये तो
यू नो पिछले शो में ऐसी थी और अगले शो में एकदम ऐसी हो गई है. तो इट डजंट हैपन ओवरनाइट. वो शो शूट होने में साल लगा होता है, उसके बीच में टाइम आता है, फिर हम आते हैं और उस पूरा टाइम वर्कआउट चल रहा होता है, उस पूरा टाइम बहुत मेहनत समय. आई लव यू टू सैफ. बहुत सारा मेहनत हो रही होती है और फिर जाके रिजल्ट. सो मैजिक तो नहीं है यहाँ पर. सो काम तो करना पड़ता है अपने आप पे. लाना रोक बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल. अल्लाह आपको सलामत रखे. अल्लाह समी भाई की फैमिली को भी हिफ्ज़ो अमान में रखे. आमीन आमीन. जिनेश शापी आप कमेंट्स पढ़ लें प्लीज. आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स आपी. थैंक यू सो मच सेज आशु अंडरस्कोर ताश. आशु आई रिमेम्बर यू फ्रॉम द अदर डे. आई रिमेम्बर दिस नेम. अच्छा जी. जर्नेश खान 1608 सेज विल यू कम बैक आफ्टर लॉकडाउन लाइक कम बैक वेयर टू पाकिस्तान. ऑफ कोर्स व्हाई वुडंट आई. अच्छा जी. प्लीज से आउट माय नेम इमान. आई जस्ट डिड. सेल्फ केयर के लिए क्या क्या करती है ऑनेस्टली इस लॉकडाउन में, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेशन हो गई है कि घर पे से कहीं जा नहीं सकते, कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं सकते. तो इस वक्त मुझे ऑनेस्टली मैंने कुछ चीजें हैं जिसमें मैंने वर्क करना शुरू किया है. बाल स्किन कम हेल्दी खा लूं, ये कर लूं वो कर लूं, क्योंकि नाउ आई हैव टाइम. और वो टाइम जरा मुझे था कि कुछ प्रोडक्टिव तरीके से स्पेंड हो जाए तो अच्छी बात है. वरना मैंने जिंदगी में कभी, मुझे मामा बोलती रहती थी तेल लगा लो, ये कर लो वो कर लो, मैं दूर भागती थी. और काम का तो कभी कुछ खाना ही नहीं था. बट नाउ आई हैव चेंज दैट. सो आई थिंक द होल लॉकडाउन एंड एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ वर्क फॉर मी. लव यू जर्नेश हैप्पी. थैंक यू स्वीटी. हाय सत्के सेज इट्स जैनब. ओह स्वीट जैनब. अच्छा जी. माशाल्लाह थैंक यू. यही तो कयामत है क्या. आई लव यू जर्नेश. वकास कलीम थैंक यू. दैट्स रियली स्वीट. अपलोड पिक्चर विद योर हस्बैंड प्लीज. या इंशाल्लाह आई विल वेरी सून. नूरमैटिक गिव्स मी एन इमोजी. वेयर आर यू कम आउट. आ जाओ. वेट लॉस कैसे किया. वेट लॉस बहुत मुश्किलों से किया अगेन, क्योंकि काफी सारे लोग बहुत दफा मुझसे ये बात पूछ चुके हैं और मुझे सही तरीके से कम्युनिकेट करने का मौका नहीं मिला. बिकॉज चैट पे मैं इतनी डिटेल में बता नहीं सकती हूँ. आई एम नॉट इवन श्योर कि आप लोग कोई है कोई नहीं है, सुना कि नहीं सुना, वॉइस ब्रेक तो नहीं होगी, वीडियो स्टक तो नहीं होगी. सो आई एम गोना मेक अ प्रॉपर वीडियो इन विच आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट आई डिड टू लूज वेट एंड आई विल पोस्ट इट वेरी सून, डोंट वरी. Hi, beautiful. Loads of love from India. Hello, that was Sleepy Tinker 13. Lots of love to you too. Please say my name. Your Zahid Ahmed ki family ko bhi live karein. Dubai mein kya kahin hai? Zahid Ahmed, the actor Zahid Ahmed. Haan. Yeah, I know that would be fun too. Let's see, maybe. Zanesh, aap bahut pyari hai. You're my favorite actress. And Sanyara is my favorite drama. Thank you. That's really sweet. आपका हुसन ऐसा है कि हाँ व्हाट आप भी हर तरह के बाल सूट करते हैं. रियली यू थिंक सो. थैंक यू. अल्लाह पाक आपको खुश रखे प्रिटी गर्ल. थैंक. अच्छा जी. वो स्टाइल वाइल वेलिंग वेलिंग. अच्छा जी. माय बड़ी दैट्स स्वीट. हु इज दैट. नाइस एक्टिंग इन येदर मेरा. थैंक यू. प्लीज कॉल माय नेम आउट. आई लव यू सेज महाकी. न्यूरोमैटिक प्लीज डोंट जस्ट सेंड मी इमोजीज. कम आउट. ये आप मुझे क्या कमेंट्स कर रहे हैं, क्या मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर. दैट इज फॉर माय देवर. हाय जर्नेश जी सेज जर्नेश अंडरस्कोर खान 7. हेलो व्हाट्स अप हाउ आर यू. वर्सटाइल एक्टर हैं आप माशाल्लाह की पिटअप. जैद बिन अयास थैंक यू. आई लव योर ड्रीम्स और ड्रामास बट थैंक यू. अच्छा जी.
Hey, you're very beautiful. You're my favorite, says Lubna said, thank you. आप मुझसे दोस्ती करेंगी अल्लाह के वास्ते. I am your friend. I mean, which is why I come here to say hello and to catch up with all of you. So yes, of course. Zarnish Apy, you're the best actress in Pakistan. Big fan of yours, says Hafiz. Thank you. Hivza.arsalan.khan says, how many kids do you have? No, I don't have any. But I'd love to have lots and lots of kids sometime in the future, hopefully. Pyare pyare, Acha ji, lovely actor, mashallah. Thank you. Acha, I'm going to read your comments for 5 more minutes and then I have to go because I'm really hungry and I really want to eat something now. यहाँ पे भी खाने का टाइम हो गया. जैसे कि मैंने आपको बताया, 20 डेज में कुछ और करने के लिए तो होता नहीं, तो मैं खाती रहती हूँ. और आपने मुझे डिस्ट्रैक्ट करना नहीं छोड़ा 1 मिनट के लिए भी ना. इधर आ जाओ. ये आदमी ये अच्छा, सो बेसिकली हम लोग का ना सीन है, तो ये वो शक्ल है. इधर आ जाओ, इसको थोड़ा सा लाइट. So, ये वो शक्ल है बेसिकली. ये वो हाँ, तो बेसिकली हमारे दिन में जिंदगी में और कोई काम ही नहीं है. हमारी जिंदगी का बस एक ही काम है कि हमने खाना है और खाते रहना है और वीडियो गेम्स खेलनी है और फिर खाना है और फिर वीडियो गेम्स खेलनी है. और फिर हमने टैग बनाया था कि वी गोना स्टार्ट वॉकिंग आउट टुगेदर, तो इन्होंने तो शुरू कर दिया और मैं कर लूंगी कल से. और हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं कल से क्यों, आज से करना था ना हमने खाना. खाना खाना 10 बजे आज से मैं शुरू कर दूंगी. कोई 10 बजे बात नहीं नहीं, होगा, एटलीस्ट जस्ट यू नो लाइक आज से मैं शुरू कर दूंगी, कल से फिर रेगुलर. कल सही है, सुबह 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 डाल, ठीक सुबह सुबह उठा के मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ. बहुत है अच्छी रूटीन चल रही है मेरी आजकल. अच्छा जी, हाय सर. अच्छा ऐसे ना मुझे कुछ कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर तुम ना होती तो शायद खूबसूरती इतनी खूबसूरत ना होती. हाय अल्लाह फारूक अंडरस्कोर 16, दैट वाज सो फ्लैटरिंग, दैट्स सच अ स्वीट कमेंट, थैंक यू. आपकी वॉइस बहुत प्यारी है, सेज अरीबा रानी. थैंक यू, लुक्स गुड इन शॉर्ट हेयर टू. हाय थैंक यू यार, बड़े सारे लोगों को ना शॉर्ट बाल अच्छे नहीं लगे मेरे, तो मुझे दुख सा ही हुआ. हेलो फ्रॉम दुबई, सब सेज राहिल शेख, हेलो. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? सेज शेज मुस्फिरा. हु आयत सेज व्हाई यू सो क्यूट, सेज दैट? आयत ओह थैंक यू जरनेश आपी, मैं आपकी बेस्ट फैन हूँ. ये आपकी तारीफ थी क्या मेरी? थैंक यू, जस्ट किडिंग. से माय नेम, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट नेम. इतना एम्फसाइज किया आपने, नाम ही लिख दिया कमेंट सेक्शन में. क्या है? सुकीना सुकीना शेख. शेख, सुकीना शेख है. तुम कितने फिट नाम पढ़ लेते हो जल्दी जल्दी से. हाउ डू यू डू दैट? इट्स अ टैलेंट, पीपल नीड टू नो अबाउट दिस. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आर यू मैरिड फॉर द 1000 एंड मे बी लाइक एक्चुअली मिलियन टाइम? यस, देवर साथ बैठा हुआ है। ये शक्ल देख रहे हैं आप, ये अच्छा. और क्या देख रहे हैं जी? योर वॉइस इज लव, थैंक यू. आपकी बर्थडे कब आती है? 16 अगस्त. बेस्ट एक्टिंग इन एवरी सीरियल, बहुत बहुत शुक्रिया. कीवा अंडरस्कोर था. जी सेम, माय नेम तालिया। हेलो, मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद है. वाओ नाइस टू सी यू फर्स्ट टाइम लाइव. कमी अंडरस्कोर राणा, हेलो राणा. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. क्या ये आपका? ओ भाई, मेरे देवी भाई, मेरे हस्बैंड नहीं है. नहीं, इज नॉट माय हस्बैंड, दिस इज माय हस्बैंड राइट देयर. दिस इज माय देवर हस्बैंड, देवर देवर हस्बैंड, देवर. आई एम सॉरी, जस्ट किडिंग यार. जब भूख लग जाती है ना, सो यू नो थिंग्स जस्ट काइंड ऑफ गो वेयर. ओके जी, मैंने आपकी, अब यू कांट कंप्लेन बिकॉज़ मैंने बहुत सारे लोगों के मैसेजेस पढ़ने की कोशिश की है. अगेन बिफोर गोइंग, आई'd लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन, इतना सारा प्यार शेयर करने के लिए. इतना सारा प्यार शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच. एंड प्लीज अपना, सब लोग ध्यान रखें, प्लीज अपना ख्याल रखें. जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे आज की, ये हमारा जो टाइम है, ये इसमें हमें शायद थोड़ी सी अपने आप पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है. मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट वी आर डूइंग,
जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है. आई हमजा पाशा सेज मेरा नाम भी ले लें और खाना दे दें आपका तो मैं गोली मार दूंगी. हमजा पाशा आप बाहर तो निकले. तो बेसिकली ये सीन है. क्या मैं बात क्या कर? ये सीरियस बात हो रही थी यहाँ आपको तो नहीं सीखे हमजा पाशा. हाँ सो बेसिकली मैं ये कह रही थी कि प्लीज आप कोशिश करें कि नमाज पढ़िया करें, अपनी भी मगफरत की दुआ मांगें और इर्द-गिर्द के लोगों की भी, और ऑब्वियसली जो एहतियाती तदाबीर है उनको फॉलो करें.